हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी ट्रेनर में। दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आ रहा हूं कि आप किसी भी स्लोप पे बहुत ही ऊंचाई जगह पे आप बिना ब्रेक के, बिना हैंड ब्रेक के गाड़ी को आप कैसे रोक सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आज आप सभी के लिए बताने वाला हूं। और आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी की कोई भी गाड़ी आप चलाएंगे वो गाड़ी पीछे नहीं आएगी। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी इस समय ऊँचाई पर हूँ, ये जो है स्लोप है। अभी हमने गाड़ी को जो है सिर्फ हैंड ब्रेक पर रखा हुआ है क्योंकि गाड़ी हमारी यहाँ पर पीछे ना जाए। तो अब मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं कि आप बिना ब्रेक के, बिना हैंड ब्रेक के गाड़ी को आप कैसे रोक सकते हैं ऊंचाई पे। तो आप लोग हमारे वीडियो को ध्यान से देखें, आपको ये जो समस्या है गाड़ी पीछे आने लगती है ये आपकी समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आप लोग सुरक्षित तरीके से ऊंचाई पे गाड़ी को चला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तीन पैडल है, ये आपको सबसे पहले तो हमारी गाड़ी हैंड ब्रेक पे रुकी हुई है इस समय। अब हमें क्लच को दबाना है, हम पूरा क्लच को नीचे ले गए, ठीक। अब जो है हमें वन गियर लगाना है, फर्स्ट गियर हम लगाएंगे क्योंकि जब भी आप स्लोप पे होते हैं तो हम उसमें ज़्यादा गियर में गाड़ी को नहीं बढ़ा सकते हैं, हमें वन गियर ही लगाना होता है। तो अभी गाड़ी मेरी वन गियर में है। अब हमको क्या करना है कि क्लच को पहले हाफ लेके आना है। हाँ, हाफ लाइए, हाँ एक इंच और नीचे पैर, हाँ जिसे भी कमान बनाना है, और एक इंच पैर ऊपर, बस रुके रहिए इसी पे, ठीक। शुरू वीडियो रोक दें, हाँ स्टार्ट, और ऊपर लाइए पैर, बस और नीचे, नीचे हल्का और नीचे और ऊपर, बस रुके रहिए इसी पे, और थोड़ा, बस और थोड़ा, हाँ हाँ और नीचे और ऊपर हल्का, हाँ हाँ और ऊपर, बस ये और हल्का नीचे, हल्का एक इंच, बस एक इंच नीचे, एक इंच और, एक इंच और, एक इंच ऊपर, बस और एक इंच और ऊपर, एक इंच और ऊपर, ये होल्ड, एक इंच और नीचे, बस। देखिए दोस्तों, अभी ये ना आपका हैंड ब्रेक लगा हुआ है और ना जो है हमारा पैर ब्रेक पे है, सिर्फ केवल गाड़ी हमने क्लच पे रोक के रखा है। और आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ पे ना हमने एक्सीलेटर लिया हुआ है, ना यहाँ पे एक गाड़ी जो है आपका क्लच दबा है, सिर्फ क्लच को हम बीच में रखे हैं और ना गाड़ी आपकी आगे जाएगी ना ही पीछे जाएगी। ये आप बहुत इजी तरीके से आप अपनी गाड़ी पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने ना यहाँ पे ब्रेक को टच किया है, ना हमने पैर एक्सीलेटर पे रखा है, सिर्फ मेरी गाड़ी ओनली क्लच पे है। आप सभी लोग वीडियो में देख रहे हैं कि सिर्फ ये क्लच जो है बीच वाले पॉइंट पे है और आप इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ से गाड़ी आगे की तरफ मूव करती है उसी के एक इंच नीचे ये पॉइंट होता है। ये आपका तभी एडजस्ट होगा जब आप बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये गाड़ी पुल पे या किसी स्लोप पे आप आसानी से गाड़ी को रोक सकते हैं। ना त्यों आप हैंड ब्रेक लगाएंगे, ना ही पैर ब्रेक पे रहेगा, केवल आपकी गाड़ी क्लच पे रुक सकती है। देखिए ये हैंड ब्रेक भी हमने नहीं लगाया हुआ है और बाकी जो है ये गाड़ी ना हमने ब्रेक को टच किया है, ना हमने एक्सीलेटर को लिया है और गाड़ी भी हमारी स्टार्ट है। तो आ गया होगा आप लोगों को समझ में कि मेरी गाड़ी बिना ब्रेक के, बिना हैंड ब्रेक के हमने रोक के रखा है और आप सभी लोग जो है बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं मेरा यह वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करना ना भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि मेरा हौसला ऐसा ही बना रहे और मैं आप सभी के लिए ऐसा ही वीडियो लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।